Question answer of Kali and the Rat Snake Unit 1B. अगर आपने अभी तक काली एंड द रैट स्नेक का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो नीचे कमेंट्स में जाकर देख लीजिए. Comprehension check 1. How much did the snake cooperative pay for each poisonous snake? Snake cooperative हर एक जहरीले सांप के लिए कितने रुपए देती थी? Snake cooperative paid rupees 150 for each poisonous snake. Snake cooperative हर एक जहरीले सांप के लिए 150 रुपए देती थी. When had Kali joined school? काली ने स्कूल कब ज्वाइन किया? काली had joined school 2 months ago. काली ने स्कूल 2 महीना पहले ज्वाइन किया. What had Kali brought for lunch? काली ने लंच के लिए क्या लाया था? Kali had brought fried termites for lunch. Kali ने लंच के लिए भुने हुए दीमक लाए थे. Comprehension check 2. Why were the children in the class shouting for help? क्लास में बच्चे मदद के लिए क्यों चिल्ला रहे थे? Children in the class were shouting for help because there on the roof was a large rat snake. Class में बच्चे मदद के लिए इसीलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि roof में एक बहुत ही बड़ा भामिन सांप था. Who was sitting on the desk? Desk के ऊपर कौन बैठा था? The teacher was sitting on the desk. Desk के ऊपर teacher बैठे थे. For whom were the children clapping and cheering? बच्चे किसके लिए तालियां बजा रहे थे और cheer कर रहे थे? The children were clapping and cheering for Kali. बच्चे काली के लिए तालियां बजा रहे थे और उसे cheer कर रहे थे. Complete the following sentence. On the first day of school, school के पहले दिन, each student had to stand up and tell the class 3 things. हर एक बच्चे को खड़े होना था और पूरे क्लास को 3 चीज़ें कहनी थी. कौन सी 3 चीज़ें? His or her name, उसका नाम. The name of the village, उनके गांव का नाम. And what their father did, और उनके पिता क्या करते हैं. The rat snake was wrapped around a palmyra beam. Rat snake एक palmyra beam में लिपटा हुआ था. कहाँ पर लिपटा हुआ था? On the roof. Roof में लिपटा हुआ था. Kali's father said that sometime. Kali के पिता ने कहा था कभी कभी. कभी कभी क्या? कभी कभी स्नेक स्मेल्ड ह्यूमन एंड मिस्टुक देम फॉर रैट. कभी कभी सांप आदमियों को सूंघ लेते हैं और उन्हें चूहे समझ लेते हैं. एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वारलिंग. और बच्चे लड़ने लगे. किसके बारे में लड़ने लगे? अबाउट होम काली वुड सिट नेक्स्ट टू. कि अब काली किसके साथ बैठेगा? 10
children ran off. 10 बच्चे दौड़ते हैं. In 10 different direction. 10 अलग अलग दिशाओं में. To find a bag. एक बैग को ढूंढने के लिए. State whether the following sentences are true or false. The English teacher threw Kali out of the class. English के teacher ने काली को class के बाहर फेंक दिया. क्या ऐसा हुआ था? नहीं, बल्कि English के teacher तो काली से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे. तो फिर ये सेंटेंस हम लोगों का गलत है, यानी कि फॉल्स. काली लिव्ड इन कैनाथर विलेज. काली कैनाथर नाम के गांव में रहता था. हाँ, ये सेंटेंस सही है, यानी कि ये होगा ट्रू. काली वाज फर्स्ट एफ्रेड टू कैच रैट स्नेक. काली शुरुआत में रैट स्नेक को पकड़ने में डर रहा था. क्या काली डर रहा था? नहीं, वो तो बस दूसरे बच्चों को देखकर कंफ्यूज हो गया था कि वो सारे बच्चे दौड़ क्यों रहे हैं. द चिल्ड्रन रैन इन ऑल द डायरेक्शंस टू फाइंड अ रोप. बच्चे सभी दिशाओं में दौड़ रहे थे एक रस्सी ढूंढने के लिए. क्या बच्चे रस्सी ढूंढने के लिए दौड़ रहे थे? नहीं, बच्चे तो एक बैग ढूंढने के लिए दौड़ रहे थे. इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है. तो फिर ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स. एवरीवन वाज क्लैपिंग एंड चीयरिंग फॉर काली. सभी लोग तालियां बजा रहे थे और चीयर कर रहे थे काली के लिए. क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ, ये सेंटेंस सही है, यानी कि ये हो जाएगा ट्रू.